जयन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। ईशावास्यम् इति आदयो मन्त्राः कर्मसु अभिनियुक्ताः तेषाम् अकर्मशेषस्य आत्मनो याथात्मप्रकाशकत्वात्। ईशावास्यम् इससे प्रारंभ करके जो आगे के मंत्र हैं उपनिषद के, उनका कर्मों में कोई विनियोग नहीं है। वह कर्म करने के लिए इनका उपदेश नहीं है। तो तेषाम अकर्मशेषस्य, जिनका कर्म में कोई उपयोग नहीं है, तो वो मंत्र क्यों है? आत्मनो याथात् प्रकाशकत्वात्, वो अपनी आत्मा के, जो अपना आत्मा जैसा है, याथात्म जैसा है, ज्यों का त्यों प्रकाशित करने वाले हैं। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? याथात्म्यं च आत्मनः शुद्धत्व अपाप विद्धत्व एकत्व नित्यत्व अशरीरत्व सर्वगतत्व आदि वक्ष्यमाणः। कितना आसान है भाष्य पढ़ना। जो अपना वास्तविक स्वरूप है याथात्म्यं, याथात्म्यं यथावत, कुछ मिलावट करके नहीं, जोड़ गांठ करके नहीं, जैसा अपना स्वरूप है वो कैसा है आत्मा का? शुद्ध है, पाप से मुक्त है, एक है, नित्य है, अशरीरी है और सर्वव्यापक है। यहाँ तक पढ़ा था, आगे देखो। तच्च कर्मणा विरुद्धेति इति, तच्च कर्मणा विरुद्धेति, विरुद्धेत धन इति, युक्त एवैषां कर्मसु अविनियोगः। करें तत्च, ये जो मंत्र हैं वो सबके सब कर्मणा विरुद्धे, इनका कर्म से विरोध है, इनका कर्म से सीधा सीधा विरोध है। तो ये युक्त एषाम, तो ये जितना एषाम माने ये जितने मंत्र हैं उपनिषद के, तो इन उपनिषद के मंत्रों का कर्म में विनियोग ना होना युक्ति संगत है, सही बात है। क्योंकि तच्च कर्मणा विरुद्धेत, जो ऐसा अपना आत्मा का स्वरूप है उसका कर्म से विरोध है। क्यों? क्योंकि आत्मा जब पहले से शुद्ध है तो शुद्ध करने के लिए क्या करोगे? कोई पाप उसमें छूता नहीं तो पाप मिटाने के लिए क्या करोगे आत्मा का? वो सब अंतःकरण में है, अशुद्धि अंतःकरण में होती है, तो अंतःकरण को शुद्ध कर लो। पाप करेगा तो अंतःकरण में पाप लगेगा, तो कुंड कर लो, तो अंतःकरण जो है आपका पाप कुंड से छूट जाएगा। लेकिन आत्मा तो उससे बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध, परम शुद्ध है, तो उसके लिए क्या करोगे? तो तच्च कर्मणा विरुद्धेति, ऐसे अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान का कर्म से विरोध है, इसलिए युक्ति संगत है, सही बात है। युक्त एव, बिल्कुल सही बात है, युक्ति संगत है, ये शाम कर्मसु अविनियोगः, ये मंत्रों का कर्म में कोई विनियोग नहीं। ठीक है, अच्छा आगे देखो, अब इसी बात को सिद्ध करते हैं युक्ति से। अब आगे युक्ति से, यहाँ सिद्धांत हो गया, ये सिद्धांत है कि इन मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं है। युक्ति क्या है? युक्ति देते हैं, ना ही एवं लक्षणम आत्मनो याथात्म्यम उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम कर्तृ भोक्तृ रूपम वा एन कर्म शेषता स्यात्। करें देखो, ना ही एवं लक्षणम आत्मनो, इस लक्षण वाला जो अपना आत्मस्वरूप है, कौन सा लक्षण वाला? वही छे, जो इस लक्षण वाला अपना आत्मस्वरूप है उसका याथात्म स्वरूप उत्पाद्य की श्रेणी में नहीं आएगा, विकार की श्रेणी में नहीं आएगा, आप की श्रेणी में नहीं आएगा और संस्कार की श्रेणी में भी नहीं आएगा, ना वो कर्ता और भोक्ता ही भी नहीं है। तो
अगर ये सब होता तो कर्म का शेष होता। क्यों? क्योंकि कर्म से क्या क्या कर सकते हो, अभी चार चीज पर ध्यान देना। हाँ, कर्म से पहला है उत्पाद्यम, ये पढ़ाया हुआ है कई बार। कर्म से पहली चीज है कि कोई चीज आप उत्पन्न कर सकते हो, घट नहीं है और घट को हमने कर्म से उत्पन्न कर लिया, यही ना, कर्म से हमने घड़े को बनाया। पुरोडास आदि, अब इसको कहते हैं जो यज्ञ आदि में आपने खीर बनाया, चावल भी था, दाल भी था, दूध भी था, चीनी भी थी, लेकिन आपको वहां खीर की जरूरत थी। यज्ञ में आहुति में दिया जाता है कुछ ना कुछ ऐसा जो है, हलवा वगैरह उनको भोग में लगाया जाता है। अब वो कैसे करोगे, तो चावल भी है दूध भी है, तो हम कर्म करेंगे तो उससे खीर बना लेंगे। तो उसी प्रकार से कर्म से पहली चीज है कि जो वस्तु नहीं है और उसके उत्पत्ति की उपादान सामग्री विद्यमान है, वस्तुएं उपलब्ध हैं लेकिन वह जिस चीज की जरूरत है वो मेरे पास नहीं है, तो उसको बनाने के लिए जो उपलब्ध उपादान है, सामग्री है, उससे हम कोई नई चीज बना लेंगे। ठीक है, पेड़ का बहुत मोटा तना है मेरे पास में, तो लकड़ी है, लकड़ी है, पेड़ का तना है, लेकिन वो पेड़ के तने से हमको जरूरत है दरवाजे की। ठीक है, तो उपादान सामग्री उपलब्ध है, क्या है, पेड़ का तना है, कुल्हाड़ी है, आरी है, वो उपादान सामग्री है, लेकिन हमको जरूरत है खिड़की की, दरवाजे की, तो हमने कर्म किया, तो कर्म करके हमने दरवाजा बना लिया, उस लकड़ी को चीर लिया, चीर करके उसका दरवाजा हमने, खिड़की हमने बना लिया। तो जो उपलब्ध सामग्री है, पहले समझना, अनुपलब्ध की उत्पत्ति नहीं हो सकती, आकाश पुष्प की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो वस्तु उपादान के रूप में उपलब्ध, मिट्टी है, उस मिट्टी में से 50 चीजें आपने बना लिया, जल है, उसमें से दो चार चीजें आप बना लो, शरबत बना लो, अमुक चीज बना लो, दूध है, उससे आपने दही बना लिया या आपने उससे कुछ ना कुछ बना लिया। तो जो उपादान सामग्री किसी रूप में है लेकिन जो मेरी आवश्यकता की चीज है वो नहीं है, जिसकी जरूरत है वो नहीं है। तो जो उपादान सामग्री हमारे पास पहले से उपलब्ध है उसी से हम कोई कर्म करके नई चीज की उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल समझना, लोहा है, प्लास्टिक है, सब कुछ है, लेकिन अब हमको जरूरत है मोटरसाइकिल की, तो मोटरसाइकिल के लिए हमको अमुक अमुक तरीका हमने कर्म किया, उसका इंजन बना दिया लोहे से, उसी में से हैंडल बना लिया और वो तमाम तरीका उसमें सामान बना करके हमने एक मशीन बना ली। ठीक है ना, इसका नाम हो गया उत्पाद्य। उत्पाद्य माने जो वस्तु इस समय हमारे पास नहीं है, हम किसी उपादान की सामग्री को लेके नई चीज को उत्पन्न कर लेते हैं। कैसे, कर्म से। कर्म नहीं करोगे तो वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है ना, पहला सिद्धांत है। तो कर्म से पहली चीज आप कर सकते हो कि किसी नई चीज की आप उत्पत्ति कर सकते हो। ठीक है, उपादान सामग्री पहले से विद्यमान होगी उसे लेकर के। दूसरा देखना, अब इस पर हमेशा के लिए ध्यान रखना। दूसरा है विकार्यम, कर्म करने के द्वारा कोई ना कोई विकार हो सकता है। देखो, घट रखा है हमारे घर में, घट रखा है, लेकिन अब हमको अपने बच्चे के साथ हम खेल रहे थे, वो बच्चे को गुस्सा आ गया और गुस्सा आ गया तो उसने डंडा उठा करके कर्म किया। क्या कर्म किया कि डंडा उठा के मारा। एक डंडा उठा के मारना क्या हुआ, कर्म हुआ, और इस कर्म से जो घट पहले था वो घट हमारा टूट गया, तो विकार हो गया। या दूध था, उस दूध में हमने कर्म किया कि थोड़ा जामुन डाल दिया,
जब थोड़ा सा दही सबसे पहले दही कब बना होगा? हाँ, आज तो है कि उसमें थोड़ा डाल देते हैं तो जम जाता है, तो दही सबसे फर्स्ट टाइम कब बना होगा? चांदी के सिक्के से जम जाता है। अच्छा, चांदी के सिक्के से? गुनगुना दूध और चांदी का कोई सामान डाल दीजिए। देखो तरीका, देखो तो अब ये जो आपने कर्म किया कि दूध रखा था है ना, बिल्कुल शुद्ध रूप में, और उस दूध में आपने थोड़ा सा, अभी ये उत्पत्ति करने की श्रेणी में नहीं आएगा, ये किस में आ रहा है कि उसमें आपने कोई ऐसी जामन डाल दिया, सिक्का डाल दिया कि वह दूध से बन गया, तो ये क्या हो गया इसका? विकार हो गया। और लगभग यही सब चलता रहता है, यही सब करते रहते हैं। तो कर्म करने के द्वारा किसी नई चीज की उत्पत्ति पहला, दूसरा जो चीज है उसमें कोई परिवर्तन कर लेते हो, विकार हो जाता है। हाँ, एक कर्म से आप ये कर सकते हो, उत्पाद्य विकार। तीसरा है आप्यम। आप्यम कहते हैं प्राप्त करना, आप्यम माने प्राप्त करना। जो वस्तु बाजार में है, कहीं पर है, किसी के पास में है और हमारे पास नहीं है, तो अगर आप कर्म करते हो तो कर्म करने से जो वस्तु कहीं पर है उसको आप कभी न कभी प्राप्त कर सकते हो। अब वो आपका कर्म चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, बात की बात है। भाई किसी के घर में कोई बढ़िया चीज है, आपने चोरी कर लिया रात में, तो वो आपका पाप हुआ, लेकिन क्रिया हुई ना, कर्म तो हुआ ना, चोरी कर लिया तो उसका पाप लगेगा, जाओ दंड भोगो, लेकिन वस्तु आपने प्राप्त तो कर ली ना। या आपने यज्ञ किया, यज्ञ करने के द्वारा हमारे यहां बेटा पैदा हो गया, तो क्या हो गया? वो आप पे हुआ। हाँ, तो कर्म करने के द्वारा जो वस्तु कहीं पर है उसको हम किसी न किसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। एक कर्म का तीसरा सिद्धांत है, कर्म से वस्तु की उत्पत्ति हो सकती है, उसमें विकार हो सकता है, और कर्म करने से जो वस्तु अप्राप्त है उसको हम प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कितना कर्म का है भाई। स्वर्ग अप्राप्त है तो आप यज्ञ करो तो स्वर्ग की प्राप्ति कर लोगे, यही है, क्योंकि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। अमुक चीज हमको प्राप्त करनी है तो आप परिश्रम करो तो उसको कभी न कभी आप प्राप्त कर लोगे, आप्यम। चौथा है संस्कार्यम। जो वस्तु मेरे पास है, देखो वस्तु प्राप्त है लेकिन उसमें किसी न किसी प्रकार का दोष है, मिलावट है, तो आप कर्म करोगे तो कर्म करने से उसको आप शुद्ध कर सकते हो, संस्कारित कर सकते हो। यही चीज, संस्कार पर बहुत ध्यान देना, यही संस्कार की जरूरत पड़ती है हम लोगों के लिए, इसी पर ध्यान देना रहेगा। संस्कार माने जैसे, संस्कार क्या हुआ, जैसे आपको दाल बनानी है ना, दाल है आपके पास में, बिल्कुल बोरी में आपके टीन के डब्बे में दाल रखी है, पानी भी है, गैस भी है, दाल बनाना है, धुल के डालोगे कि नहीं? धुलोगे? धुलना क्या हुआ, वो ये संस्कार की श्रेणी में आएगा। चावल है, आपने बिना और धुला, ये क्या हो गया, उसका संस्कार हो गया, है ना, क्योंकि बिना धुले अगर आपने डाला तो बनेगा तो, लेकिन आपको अच्छा नहीं। तो जो वस्तु मिली है उसको आपने उसमें से कंकड़ निकाल के फेंक दिया, उसको आपने धो करके साफ कर लिया, ये क्या किया आपने, उसका संस्कार किया। संस्कार, संस्कार में जैसे अब बच्चा है, जन्म लिया, जब बच्चे का जन्म हुआ तो अभी तो उसने जो है कुछ उसको आता नहीं, काखा गाधा भी, अब आप उसको शुरुआत से ही आप उसके चित्त में संस्कार डालना शुरू करते हो। ए अमुक है प्रणाम कर, ये क्या डाल रहे आप, संस्कार है ना, ए हमारे देवता हैं इनको प्रणाम करो, ए गौ माता है इनको एक रोटी खिला के आ जाओ,
अब तुम 4 साल के हो गए, स्कूल जाओ और स्कूल जा करके आप पढ़ो। क्यों? ये संस्कार है। और एक एक करके संस्कारित करते 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 फिर वह जीवन जीने के लायक हो जाएगा, सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो जाएगा। तो संस्कार की जरूरत हमेशा पड़ती है, और संस्कार करना होगा तो कर्म करना पड़ेगा। अभी जैसे आप पूजा करने बैठे तो सबसे पहले अभी अभी नहा के आए हो, बिल्कुल नहा के आए हो सकता गंगा जी नहा के आए हो, लेकिन पूजा करने बैठे तो सबसे पहले आपके ऊपर जल छिड़का, यही ना। जल छिड़क के क्या मंत्र पढ़ा? अपवित्रा पवित्र वा सर्वावस्था कुंडलीकाक्षम सभा। अभी तो गंगा जी में नहाए थे, हो सकता है गंगा जी की नहा करके वहीं किनारे बैठ के पूजा कर रहे हों, उसके बाद भी पंडित जी ने जल छिड़का ना, इसका नाम हो गया बाहर से पवित्र हो जाओ। फिर उन्होंने 3 चम्मच पानी दिया, लो पी लो, माधवाय नमः गोविंदाय नमः। 3 चम्मच क्या हुआ? आपका भीतर से भी शुद्ध हो जाओ, अंदर से शुद्ध हो जाओ और बाहर। फिर उसके बाद देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता भाव से युक्त होकर के देवता का पूजन आप करो। तो ये क्या किया आपने? संस्कारित किया, इसका नाम हो गया संस्कार। बचपन से लेके जीवन पर्यंत संस्कार की जरूरत पड़ती रहती है, समझना चाहिए इसको। क्या संस्कार करना हो तो कर्म करना पड़ेगा। संस्कार जैसे समझ लो, दूसरी बात में हमारा वस्त्र है अशुद्ध हो गया, कीचड़ लग गया हमारे वस्त्र में, गंदा हो गया। अब इसका संस्कार करना है, वस्त्र तो आप फेंक नहीं दोगे, तो उसका संस्कार क्या हुआ? आप उसमें साबुन लगा करके आपने धुला, जब साबुन लगा के धुला तो हो गया आपका कर्म। कर्म से शुद्धता आई, संस्कार कर सकते हो। तो कर्म के द्वारा ये 4 चीज हो सकता है, उत्पाद्य, विकार्य, आप्य, आप्य माने प्राप्त करना, और चौथा है संस्कार। ठीक है, कर्म के द्वारा 4 चीज हो सकता है। आगे देख लो, कर्तृ भोक्तृ रूपम हुआ। अच्छा, ये सब कौन करेगा? उत्पाद्य आदि कौन करेगा? पहले वो समझेगा ना कि मैं करने वाला हूं, तब तो ना। और फिर भोक्तृ माने हमको ये चाहिए ना, इससे ये चीज मिल जाएगी तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। हाँ, तो भोक्तापना भी है और अपने भीतर कर्तापना भी है, तभी तो खेत में हल चलाएगा। खेत में जब हल चलाने गया, क्यों? हमको फसल चाहिए, हमको अन्न चाहिए 10 क्विंटल, यही ना। कैसे पैदा करेगा? तो सबसे पहले मैं हल चलाने वाला हूं, मैं किसान हूं, खेती करूंगा। फिर हमको फल चाहिए, तो कर्ता भाव भी आया और भोक्ता भाव भी आया। कर्ता भोक्ता बने बगैर कोई आदमी कर्म नहीं करता। जब तक भीतर कर्ता का भाव भोक्ता का भाव नहीं होगा, तब तक कर्म करने की जरूरत ही कहाँ होगी? क्या काय के लिए करेंगे हम, क्यों करेंगे? उसके बाद अगर कोई कर्ता भोक्ता भाव से मुक्त होके करता है ना, तो तत्ववेत्ता होते हैं, फिर वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, फिर वो संसार के प्राणी ही नहीं होते, ओ कर्ता भोक्ता से मुक्त है। लेकिन संसार में जब तक है, तब तक उसको कर्ता और भोक्ता भाव लाए बगैर कर्म नहीं हो सकता। और आत्मा में कर्ता भोक्ता भाव है नहीं। तो देखो आत्मा में कर, देखो कह रहे हैं आप, फिर से पढ़ना, ना ही इसको जो है संधि विच्छेद करना, ना धन ही धन एवं, ठीक है, तो ना ही एवं लक्षणम आत्मनो, ये जो 6 लक्षण वाला अपना आत्मा है, याथात्म्यम उसके वास्तविक स्वरूप को उत्पाद्य की श्रेणी में नहीं है, विकार की श्रेणी में नहीं है, आप की श्रेणी में नहीं है, संस्कार की श्रेणी में नहीं है, कर्ता भोक्ता भाव वहां पहुंचता नहीं। तो अगर एन कर्म शेषता, अगर ये सब होता तो कर्म शेष मानते हम,
तो कर्म में भी योग मानते। अच्छा अब बताओ, अब ये चारों को ले, आत्मा नहीं है, उसको पैदा करना है, सही है क्या? आत्मा नहीं है, उसको पैदा करना है। जैसे हमारे पास हमने कहा दरवाजा नहीं है, खिड़की नहीं है, घट नहीं है, पैदा करना है क्या ऐसा? बोले वो तो मैं पहले से हूं ना, तो उत्पाद है ही नहीं तो कर्म क्या? कैसे? अपना आत्मा उत्पाद नहीं है। अच्छा अपना आत्मा है, जैसे कि अब दूध से दही बनाया, विकार करके अपनी आत्मा में कोई परिवर्तन करके काम चलेगा क्या? अरे भाई कपड़ा है, फाड़ करके हमने सिल करके उसको कोई ना कुर्ता बना दिया, कुर्ता बनाना विकार है, सही है कि नहीं? कुर्ता बनाना क्या हुआ? वस्त्र है, उसको काट करके हमने उसमें विकार किया, कुर्ता बना लिया। ऐसा कोई अपना आत्मा है जिसमें कोई विकार कर सकते हैं? भाई वो भी नहीं है। फिर तीसरा, हाँ हमारी आत्मा जामुन के पेड़ पे है, उसको पाना है, ऐसी बात है क्या? बोले अपना आत्मा तो मिले हुआ है, वो तो मेरा अपना स्वरूप ही है, कहीं दूर होता तो पाने के लिए कर्म करना पड़ता, यही ना। फिर अपना आत्मा जो परम शुद्ध, पहले कहा था शुद्धत्व अपाप विद्यत्व, जो श्रुति भगवती कहती है वो परम शुद्ध है, समस्त दोषों से मुक्त है, निरंजन अलख, निरंजन माने जिसमें कोई दोष न हो, वो ऐसा है। तो उसको संस्कार क्या करना है? फिर संस्कार करना होता तो हमको कर्म की ही जरूरत पड़ती। तो आत्मा ये सबसे मुक्त है, इसीलिए कर्म का विभाग नहीं है, आत्मा के लिए कर्म शेष नहीं है, क्योंकि आत्मा उत्पाद्य नहीं, संस्कार नहीं, विकार नहीं, आप नहीं, तो कर्म का शेष कैसे है? हाँ एक बात है, यहां पर इतना सावधानी से समझना, अंतःकरण अशुद्ध है, ठीक है ना? आत्मा नहीं, कौन? हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों को मिला करके ना, अंतःकरण में अशुद्धि आती है, तो उस अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हमको कर्म करना पड़ता है। तो जो संस्कार है यहां पर, संस्कार किसका किया जा रहा है? अंतःकरण को। वो अंतःकरण में जब चार साधन आ गए, साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, साम दाम उपरति, तितिक्षा श्रद्धा समाधान और मुमुक्षुत्वम, वो अंतःकरण की संपत्ति है ना, आत्मा की संपत्ति नहीं है, आत्मा में सब नहीं है। अंतःकरण साधन चतुष्टय संपन्न हो जाएगा तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो योग्यता है। तो जब हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होवेगा। संस्कार हम करते हैं अंतःकरण का, आत्मा का संस्कार नहीं करते, ठीक है ना? ये बात हमेशा ध्यान रखना। संस्कार, संस्कार किसको कर रहे हैं? अपने मन को, अपनी बुद्धि को अच्छा बनाना है। तो मन बुद्धि अगर संस्कारित हो जाएगी तो ज्ञान के लिए हम पात्र हो जाएंगे। तो जो पहले के 39 अध्याय हैं यहां पर, वो 39 अध्याय आपको शुद्ध करके इस लायक बनाते हैं कि आपका अंतःकरण साधन चतुष्टय से संपन्न हो जाए। जब साधन चतुष्टय से अंतःकरण संपन्न हो गया तो 40वें अध्याय तत्व ज्ञान में आप प्रवेश कर जाओ, अब वहां कर्म की जरूरत नहीं। आत्म ज्ञान में, आत्मा में कर्म की जरूरत नहीं है, इसलिए कर्म शेष नहीं है। हाँ आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जो योग्यता है वहां कर्म की जरूरत पड़ेगी। बिना कर्म किए भाई, अब अच्छे कर्म ना करें, आप किसी भी आश्रम में चले जाओ, कहीं भी किसी भी आश्रम में चले जाओ, बड़े से बड़े आश्रम में, और जाके वहां बैठ जाओ, महाराज मैं आत्मा को जानना चाहता हूं, बस अब मैं जिज्ञास हूं, मोक्ष हूं, आत्मज्ञान आप हमको प्रदान कर दीजिए, और वहां महाराज ने कहा कि जाओ गाय की सेवा करो, आप कहो महाराज गोबर तो मैं उठा नहीं सकता हूं, हाँ इतना तो हमारे पास नहीं, गोबर नहीं उठाऊंगा, हमको बिल्कुल खराब लगता है,
अब महाराज ने कहा जाओ झाड़ू लगा लेना। बोले महाराज झाड़ू तो वो लगाती है, मेरी लगाती है, ये काम मेरे से नहीं होगा। चार सेवा बताई और चारों के लिए उन्होंने ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसके बाद फिर गुरु जी क्या करेंगे, डंडा क्यों उठाएंगे? गुरु जी को अपना मन थोड़े खराब करना है डंडा उठाने का। कह रहे हैं गुरु जी डंडा उठाएंगे, गुरु जी डंडा नहीं उठाएंगे। गुरु जी कहेंगे भैया अब देखो तुम गोबर नहीं उठा सकते। बोले हाँ महाराज। झाड़ू नहीं लगा सकते? बोले हाँ महाराज। बोले और कोई सफाई साफ सुथरा नहीं कर सकते? बोले हाँ महाराज। कोठारी का काम नहीं कर सकते? बोले हाँ महाराज। बोले फिर तुम बन जाओ गुरु और हम बन जाएं तुम्हारा चेला, और गुरु बन गए तो हमारी जरूरत नहीं, तुम कहीं और जाओ, कहीं और जाओ भाई जहां तुमको ऐसे ज्ञान मिलता हो। उपनिषद में आया है ना एक बार, इंद्र और विरोचन दोनों गए हैं प्रजापति के पास, महाराज आप हमको ज्ञान दीजिए। उनका 32 साल सेवा करो आश्रम की, 32 साल सेवा करो, उसके बाद लौट के आना तो पूछना 32 साल के बाद, और हमको आता होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर नहीं बताऊंगा, किसी और के पास जाना। लेकिन पूछना कब? 32 साल के सेवा के बाद। प्रश्नोपनिषद में एक वर्ष जो 6-6 ऋषि गए उनको एक संवत्सर 1 साल सेवा कराया, और उसके बाद पूछने का अधिकार दिया कि उसके बाद आप हमसे पूछना। इसका मतलब हुआ कि अंतःकरण की निर्मलता के लिए, भीतर उस आत्मज्ञान की पात्रता को लाने के लिए हमको कर्म की जरूरत है वहां पर, ठीक है ना। आत्मा को पाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की पात्रता के लिए। दोनों में फर्क समझना। आत्मज्ञान की योग्यता के लिए हमको संस्कारित होना पड़ेगा, अच्छा होना पड़ेगा। नहीं तो अच्छा जो पापी है उसके भीतर आत्मा है कि नहीं? पापी के भीतर आत्मा नहीं है? शिशुपाल के भीतर आत्मा नहीं है? रावण के भीतर आत्मा नहीं है क्या? आत्मा तो उसके भीतर भी है, यही ना। तभी तो उसके भीतर की ज्योति निकली और भगवान में जाके समा गई। यही तो ज्योति तो है, चेतन तो है, लेकिन अब चूंकि उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो सामने भगवान भी खड़े हैं तो उनको पहचान नहीं पा रहा है ना, ठीक है ना। तो आत्मा बहुत ध्यान से सुनो, अपना जो आत्म स्वरूप है जिसको मैं कह रहा हूं आत्मा मेरा होना, वह उत्पाद्य नहीं है, विकार्य नहीं है, आप्य नहीं है, संस्कार नहीं है, कर्ता भोक्ता से परे है। इसलिए कर्म का विनियोग अपनी आत्मा में हो नहीं सकता, योग्यता के लिए है, पात्रता के लिए है। यहां तक हो गया ना? पूरी पंक्ति का अर्थ समझ लेना। अच्छा ठीक है महाराज, अब एक बात तो यहां पर एक बात आ गई, आगे का जो है थोड़ा सा, यह तो ईशावास्य उपनिषद जिसका हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं, है ना, ईशावास्य उपनिषद। तो उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में जो मंत्र है, मान लें कि इस ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों का कर्म में उपयोग नहीं होगा, हमने मान लिया। लेकिन किसी और उपनिषद में मंत्र जो होंगे उनका तो कर्म में उपयोग होगा ना। कठोपनिषद में, मुंडक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, जो और उपनिषद में कोई मंत्र हो उनका तो कर्म में विनियोग होगा ना, होगा। अभी जैसे आपने बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ा, इसी का व्याख्यान है बृहदारण्यक। ईशावास उपनिषद सूत्र है और इसका व्याख्यान है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक में क्या पढ़ा था कि वहां अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया था, उषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, याद है ना। तो वहां पर था अश्वमेध यज्ञ का, तो वहां पर जो मंत्र है वो उपासना के लिए था, वहां यज्ञ की विधि बताने के लिए नहीं था। ऐसे आया था ना जी।
पूरब की तरफ मुख करके खड़े हो जाओ तो जो सूर्य देवता निकल रहे हैं उनको उस समय को देखो, समझना कि वही क्या है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़े का सिर है। ऐसे वर्णन किया था ना उषा काल, तो वहां उपासना का वर्णन है। तो उस बात को कह रहे हैं आगे कि ये ही उपनिषद नहीं, सभी उपनिषदों में, किसी भी उपनिषद में जो मंत्र है उनका कर्म में उपयोग नहीं, उसको कह रहे हैं सर्वासाम उपनिषद, सर्वासाम उपनिषदाम आत्म यथात्म निरूपणेन एव उपक्षयात। सर्वासाम उपनिषदाम माने सारे उपनिषदों में, जितने भी उपनिषद हैं उन सारे ही उपनिषदों में। अच्छा देखो, सर्वासाम उपनिषदाम समस्त उपनिषदों में, आत्म याथात्म निरूपणेन एव, आत्मा के याथात्म स्वरूप का निरूपण करने के द्वारा ही उपनिषद का समापन होता है। निरूपणेन एव उपक्षयात मतलब पूरा का पूरा उपनिषद, जितने उपनिषद हैं वो सब आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करके ही समाप्त होते हैं सारे उपनिषद। कहने का मतलब हुआ कि ये कहीं उपनिषद नहीं, मतलब सारे उपनिषद, जितने भी उपनिषद हैं वो सारे के सारे उपनिषद कर्म में उनका विनियोग नहीं है। वो क्या है, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन करें। अब एक ही उपनिषद नहीं, देखो सारा उपनिषद ले लिया, ठीक है, तो उपनिषद के अलावा फिर गीता भी तो है। चलो गीता, गीता कर्म का वर्णन करती है बड़ा, देखो कितना आप विचार करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं ना गीता में कर्म का वर्णन है, कर्म का वर्णन है, क्या कह रहे हैं भगवान भास्कर, गीता नाम मोक्ष धर्माणाम च एवं परत्वात्। लो श्रीमद् भगवत गीता जी में ही जो मोक्ष का प्रतिपादन करने वाला है, मोक्ष का प्रतिपादन करने वाला है, वह एवं परत्वात् वो भी परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करते ही समाप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता भी वो कर्म का प्रतिपादन नहीं कर रहा है, बल्कि कर्म करके अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, उपासना करके मन एकाग्र हो जाए और ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इसी बात को गीता जी भी बता रहे। इसीलिए गीता के अंतिम अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष संन्यास योग अंतिम अध्याय। तो गीता का भी जो तात्पर्य है, पूरी गीता का तात्पर्य कर्म करने में नहीं है, बल्कि पूरी गीता का तात्पर्य किस में है, मोक्ष की प्राप्ति। देखो गीता नाम मोक्ष धर्माणाम, गीता में भी जो वेदांत का एक ग्रंथ है, आप कह लो आप प्रस्थानत्रय में आता है ना गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, तो गीता जी में भी उसी मोक्ष तत्व का ही निरूपण किया गया है, और कुछ नहीं वो कहे, चाहे जितना कुछ कह ले में। गीता जी में पढ़िए, जगह जगह पर आपको लिखा मिलेगा मैं कैसा हूं। नादत्ते कस्यचित् पापम् नचैव सुकृतं विभो, मैं किसी का पाप नहीं ग्रहण करता और किसी का पुण्य भी ग्रहण नहीं करता। यानी आप कौन हो, पाप पुण्य के, यही हो गया ना, और अभी आत्मा का लक्षण जो बताया था अपाप, यही ना। फिर भगवान कहते हैं ना तो एवं ना, श्लोक पढ़ो, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनादि, ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा कोई काल नहीं होगा जब मैं नहीं रहूंगा। इसका मतलब मैं काल के भी परे कब हमेशा रहूंगा, एक गीता के श्लोक है दूसरे अध्याय का, दूसरे अध्याय का, मैं पहले भी था अभी भी हूं और आगे भी। ये क्या हो गया, आत्मा का लक्षण हुआ, आत्मा का लक्षण नित्य हो गया,
नित्यत्व हो गया। एक एक चीज देख लोगे तो वर्णन किसका है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व अविनश्यन्तं। समम सर्वेषु भूतेषु, सब में बिल्कुल एक सम रूप से रहने वाला जो तत्व है वो मैं हूं, वही परमेश्वर है। कौन है? सर्वव्यापक सर्वगत पूरा का पूरा। फिर अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम्। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूर्ख लोग मेरे असली स्वरूप को नहीं जानते। तो असली स्वरूप को नहीं जानते तो क्या मानते हैं? मानुषिं तनुमाश्रिता, तनु माने शरीर, ये मनुष्य का शरीर वाला उसको मानते हैं। कौन? मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग। अवजानन्ति माने अज्ञानी, मूढ़ाह ना समझ लो, मुझको शरीर समझते हैं, यही ना। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम्। देखते ध्यान देते रहना, यही छह लक्षण ढूंढ लेना, छह लक्षण के श्लोक मिल जाएंगे। हाँ, आप कौन है? शरीर हूं ही नहीं मैं, मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मतलब कौन? अशरीर, यही ना। तो इसलिए बिल्कुल गीता जी में भी जगह जगह पर आत्मा का ही प्रतिपादन किया गया है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। तो कोई कहता है कर्म की बात है, कोई कहता है योग की बात है, कोई कहता है भक्ति की बात है, लेकिन अंत में जो तात्पर्य है वो तात्पर्य है आत्मा तक जीव को पहुंचा देना, मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए ठीक है, तो गीता का भी तात्पर्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति उस आत्मा के यथात्म ज्ञान से होता है। अब आगे देखो, आगे बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द जो है ऐसे हैं। तस्माद् तस्माद् आत्मनो अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि च अशुद्धत्व पाप विध्यत्व आदि च उपादाय लोक बुद्धि सिद्धं कर्माणि विहितानि। तस्मात् इसलिए, इसलिए हाँ, तस्मात् आत्मनो कर्माणि विहितानि। अब देखो बीच का भी छोड़ के देखना, अंतिम देखना। तस्मात् आत्मनो कर्माणि विहितानि, इसलिए आत्मा में कर्म का विधान कौन करते हैं? तस्मात् इसलिए आत्मा में आत्मना आत्मनो कर्माणि विहितानि, कर्म का विधान कौन लोग करते हैं, कर्म की बात कौन करते हैं, कौन करते हैं? तस्मात् कर्माणि विहितानि, जो कर्म की बात करते हैं कैसे करते हैं? अरे आत्मना, उनकी समझ में आत्मा क्या है, जो कर्म की बात करते हैं उनकी समझ में आत्मा क्या है? पहला लक्षण अनेकत्व, सिद्धांत में आत्मा एक है ना जी, वही था ना एकत्व। लेकिन जो कर्म की बात कहेंगे वो क्या कहेंगे? भाई देखो, अब वो आदमी जो है तलवार चला रहा है तो पापी है, यही ना, और वो आदमी यज्ञ कर रहा है तो पुण्य आत्मा है, तो उसकी आत्मा शुद्ध है और उसकी आत्मा अशुद्ध है, यही ना। तो क्या हो गया? आत्मा उसकी अलग है और उसकी आत्मा अलग है, तो आत्मा बिल्कुल अलग अलग माना, आत्मा में भेद माना। तस्मात् आत्मनो अनेकत्व, आत्मा अनेक है। कौन लोग मानते हैं आत्मा अनेक है? कौन लोग? कौन लोग दर्शन में बताओ, मीमांसका कर्म कांड करने वाले, सांख्य दर्शन दोनों, ये मीमांसक और सांख्य दर्शन वाले, वो उसमें अनेकत्व मानते हैं। पुरुष, पुरुष अनेक है, पुरुष भोक्ता है, अनेक है, ये सांख्य दर्शन कहेगा। और मीमांसा दर्शन कहेगा जितने प्राणी हो सबकी आत्मा बिल्कुल अलग अलग है, इसीलिए सबको अपना अपना कर्म खुद करना पड़ेगा। हाँ,
अब वो आत्मा को एक नहीं मानते, महर्षि जैमिनी आत्मा को एक नहीं मानते, कपिल मुनि आत्मा को एक नहीं मानते, वो सबकी अपनी अलग अलग आत्मा है, तुम्हारी अलग हमारी अलग। हाँ, उसका तर्क भी दे देंगे। हाँ भाई देखो, हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैं मुक्त हो गया, मैं ज्ञान प्राप्त किया तो मैं मुक्त हो गया, जीवन मुक्ति का आनंद हमको, ठीक है ना, चलेगा। तो अगर आत्मा एक है तो सब मुक्त हो जाओ फिर। भाई एक ने ज्ञान प्राप्त कर लिया और आप कह रहे हो आत्मा एक है तो जितने हैं सब मुक्त हो जाओ, बोले नहीं, फिर सबको अपनी अपनी साधना करनी पड़ेगी। तो अपनी अपनी साधना करनी पड़ेगी, इसका मतलब सबकी आत्मा बिल्कुल कौन, हम नहीं कह रहे हैं, हाँ वो लोग कह रहे हैं आत्मा में अनेकत्व, इसको मान लेंगे। दूसरा, कैसी है आत्मा? बोले भाई यज्ञ किसने किया? हमने किया। ए फूल किसने चढ़ाया? तो यही तो आप देखो, ए आप पहले जो है जब हम लोग कहते हैं ना संकल्प पढ़ लो, संकल्प करते समय आप कर्ता बन गए तुरंत ही, मेरा ये नाम, मेरा ये गोत्र, इस फल की प्राप्ति के लिए आज सत्यनारायण की कथा हवन करने जा, यही ना, तो कौन बन गए आप? कर्ता बन गए। यहाँ अस्पताल बनवाएंगे तो उसका ईंट रखनी है, तो आज मैं अमुक गोत्र वाला, अमुक नाम वाला, वो पंडित जी कहेंगे नाम और गोत्र ले लो, और आज यहाँ की आधारशिला हम रख रहे हैं, तो आप कौन बन गए? कर्ता। कर्ता बन करके ही कर्म करोगे, बिना कर्ता बने कर्म होंगे। तो आत्मा को, आत्मा है असल में अकर्ता, लेकिन आपने माना क्या? जब आपने अपने आप को करने वाला मान लिया तो 10 लोग तुमको कर्म बताना शुरू कर देंगे, ये काम करो, वो काम करो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, फिर तो बस बचपन से ही। हमारा जो है, अच्छा किसी का जो बच्चा है हमारे सुख में, साथ के सब आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, 50 चीजें बताइए। अरे और क्या कहें, छोटे छोटे बच्चे तक कहेंगे दादा आपको ऐसा करना चाहिए, दादा आपको ऐसा करना चाहिए। बताओ, हमसे किसी ने कुछ मनु अपनी आत्मा में अनेकत्व मान लिया, सबकी आत्मा अलग अलग, आत्मा को कर्ता माना बिल्कुल अलग अलग, फिर क्या माना, ये करूंगा तो ये फल मिलेगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हमको होएगा, क्या माना आप अपने आप को? महाराज ऐसा नहीं करूंगा तो कैसे होएगा, तो आप अपने आप को भोक्ता मान लिया। अच्छा फिर क्यों करेंगे? अशुद्धत्व माने थोड़ा सा तो कुछ कर्म करने पड़ेगा, बहुत अशुद्धि आ गई है तो क्या करें, कुंभ स्नान करके आओ, कुंभ स्नान करके गंगा जी स्नान करेंगे तो क्या होगा, सारे पाप वहीं रह जाओ। वाह वाह, इसका मतलब अभी पापी थे ना, स्नान करके वहीं रह जाओ। कई बार लोग कहते हैं ऐसे समाज में, कोई ना कोई कह देगा चलो गंगा नहाओ, तो कहेगा तुम पाप किए हो तुम ही जाओ, तुम पाप किए हो तुम ही जाओ नहाओ, हमने कोई पाप ही नहीं किया है, यही ना। आप कब भोग करता भोगता और क्या माना अपने आप को, अशुद्ध, मेरे भीतर कोई अशुद्धि है, अब हमको ये वाला व्रत करना है। कौन सा व्रत? नवरात्रि का, बिना कुछ खाए पिए। सबसे बड़ी मुसीबत है कि व्रत तोड़ने के लिए कह दो तो बिल्कुल, हाँ बीच में कह दो सप्तमी षष्ठी के दिन कि चलो आज तोड़ दो, नहीं होंगे ना, क्या कहेंगे, पाप लगेगा, पाप लगेगा, कुछ कुछ गड़बड़ ना हो जाए,
ये मन बड़ा विचित्र है, क्या हुआ सरिता बड़े ध्यान से सुन रही हो? तो आप कहते हैं तोड़ देंगे तुरंत। अरे जाओ नहीं पहले से। अगर कह दिया जावे कि तोड़ दो तो कहेंगे महाराज अपना ज्ञान अपने पास ही रखे रहो। गुरुदेव आपने एक बार तुड़वाया हमारा एकादशी का। तुड़वाया है? हाँ, आपने कहा हमने तुरंत तोड़ दिया। अरे राम राम, सारा दोष मुझ पे चढ़ा दिया। तो अब अच्छा मान लो, देखो एक और बड़ी मुसीबत की बात है। एक होता है उसको कहते हैं, हमने पढ़ाया था एक दिन काकताली न्याय, ना काकताली न्याय होता है ना, जैसे पेड़ में फल पका हुआ था बिल्कुल टपकने वाला था, हाँ अभी अभी गिरता तभी गिरता, लेकिन उसी क्षण हम पेड़ के नीचे बैठे थे और उस डाल पर कौवा बैठा, कौवा जैसे बैठा वो पेड़ का फल टपक के, ठीक है ना, हमारी बुद्धि ने क्या कहा, कौवा बैठा तो फल, जब कौवा बैठेगा तो फल, अरे वो फल गिरने ही वाला था, लेकिन हमने उसका आरोपण किस पर किया, ठीक है ना, इसका नाम क्या हुआ, काकताली न्याय। अब अगर किसी समय पर आप व्रत रहो और कोई कह देवे कि आज चलो छोड़ो ये व्रत वगैरह क्यों कर रहे हो, और हम छोड़ देवे, संयोग बरसात उसी दिन घर में कोई दुर्घटना हो जाए तो पूरा समाज क्या कहेगा, हाँ देखो वो जो खंडित हो गया ना तो उसका तो फल भोगेगी ही, यही कहेंगे ना, अरे भाई अच्छा क्या आदमी मरेंगे नहीं, रोजे मर रहे हैं, दीपावली के दिन मर गया तो हमेशा के लिए अब दीपावली हमारे यहाँ पर खंडित है, ऐसे कहते हैं ना, फिर दीपावली कोई नहीं मनाएगा, कब मरे थे कोई पता नहीं, दीपावली है, होली है, जन्माष्टमी है, कब मरे थे, अरे कभी मरे होंगे, तुमने देखा भी नहीं कौन मरा था, दादी ने बताया था, लेकिन हमारे यहाँ जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती, ये हमारे हमने अरे मेरठ में जन्माष्टमी नहीं मनाते थे, हम और अनुपम थे, हमने कहा हम लोग मनाएंगे तुम लोग जाओ घर से बाहर, हमने खूब जो है सजाया हुआ है ना, अनुपम से खूब सजवाया हुआ है, हमने कहा जाओ तुम लोग जो है तुम लोग मत मनाओ, तो लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया कि उसमें दोष किस पर डाला, वो हमने व्रत तोड़ दिया था इसीलिए हमारे साथ ऐसा, अरे वो तो हो नहीं था, नहीं था, आपने माना क्या स्वयं को भोक्ता, भोक्ता माना, हमारे साथ ऐसा अशुभ घटना घट गई, हमारे साथ ऐसा सुख दुख की घटना हो गई, नहीं ना, हमने ये वाला कर्म किया था तो उसका देखो कितना बढ़िया, सब पूरा सुख है बहुत बढ़िया, क्यों ये वाला मंत्र जपे थे ना, ये वाले मंत्र का फल है, क्या क्या माना अपने आप को, भोक्ता, भोक्ता मान रहे हो ना, इस मंत्र का जाप किया था इसलिए इस मंत्र के जाप से हमको ये फल मिला, यही ना, तो अब भोक्ता माना ना, तो आत्मा को अनेक माना, कर्ता माना, भोक्ता माना और अशुद्ध माना, अशुद्ध माना तो हमको कर्म करना पड़ेगा, चलो गंगा नहाए, अमुक अमुक कार्य करें, और साथ ही साथ पाप विध्यत्व, पाप विद जैसे बाण हमारा जाके किसी में जाके समा जावे, बाण जा करके वह हिरण के पेट में लग गया तो क्या कहेंगे, बाण से विद, जैसे बाण चलाने वाला जब बाण चलाता है तो जाके वो वहां वेधन करता है ना, वो घुस करके बाण वही खड़ा हो जाता है, उसको कहते हैं पाप बाण से विद, ऐसे पाप ने हमको बेधन कर दिया है तो पाप से हम बद्ध हैं तो हमको पुण्य कमाना है, ये सब मान लोगे देखो, पाप विध्यत्व आदि, आदि माने और सब मिला लो, जितने भी तरीके के दोष हैं सब अपने ऊपर डाल लो, मैं रागी हूं, मैं दोषी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं,
सब मिला लो अपने ऊपर, सब डाल करके, आदि माने सब, चा उपादाय, सब अपने ऊपर मिला करके, लोक बुद्धि सिद्धम, लोक बुद्धि सिद्धम माने शास्त्र से नहीं। आपने गाना गाया ना, मौसम कौन कुटिल खल, मैं कौन हूँ, कुटिल हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, यही ना, यही ना, मैं कौन हूँ, रागी देशी, ये कहाँ से सिद्ध है, कौन से शास्त्र में लिखा है, लोक बुद्धि सिद्धम, सब ऐसा कहते हैं। दस लोग आपको कह दे में तुम अच्छे, तुम सुंदर, वैसे एक बात साफ साफ कहो, आपने अपनी सुंदरता को कभी देखा नहीं, चेहरा देखा होगा शीशे में, चेहरा देखा होगा शीशे में, सुंदरता कैसे पता लगी कि आप सुंदर हो, कैसे, चेहरा देखा, हो सकता है गोरी चमड़ी हो, हाँ गोरी चमड़ी है, सांवली चमड़ी है, नाक कान देखा है, उसकी बनावट देखी है, लेकिन सुंदरता कैसे देखी है आपने, मैं सुंदर हूं ये कैसे, तो इसको कहते हैं लोक बुद्धि। बचपन से नानी कहती थी बहुत सुंदर है, दादी कहती थी मेरा पोता बहुत सुंदर है, उसके बाद सब कहते गए बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और सुंदर सुनते 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 अपने आप को मान बैठा बहुत सुंदर है, भेंगी जैसे, चाहे जैसे, हाँ सुंदरता बताओ कैसे है, दक्षिण भारत वाला सब काली काली होती है है ना, काली काली होती है। और एक महात्मा ने बड़ी बढ़िया बात कही, उन्होंने कहा कुत्ते से पूछो तो कुतिया से ज्यादा सुंदर कोई नहीं होता, कुत्ते के लिए सबसे ज्यादा सुंदर कौन, कुतिया पीछे पीछे दौड़ता है। तो आप बताओ सुंदरता की कहां से सिद्ध किया सुंदरता आपने, अफ्रीकन लोग, अभी 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 नया नया चलन हो गया ना, यहाँ पर भी छिदा के बाली पहनेगा, यहाँ भी पहनेगा, यहाँ भी पहनेगा, यहाँ भी पहनेगा, राम भला करे, सब जगह पर वो क्या सुंदर है, लेकिन उसको सुंदर लग रहा है तभी तो, वो तो कह रहा यही सुंदर है ना, यहाँ पर काग वो ड्रैगन गोदा लिया, यहाँ पर गोदा लिया, पूरे हाथ पे पाँव पे क्या है, वो सुंदर है, सुंदर है, आपको खराब लग रहा है, हमको देख के खराब लग रहा है, लेकिन वो तो पैसा दे के बनवाया हुआ है ना, उसको तो अच्छा लग रहा है, सुंदरता की परिभाषा क्या, कैसे कहोगे किसी को सुंदर, आपके समझ अलग, तिब्बत में तिब्बती नेपाली लोगों को नाक चपटी होगी, भाव पे बाले नहीं होंगे ऐसे ना, लेकिन वो आपको तो नहीं, लेकिन वहां तो उनके लिए वो सुंदर होगा ना। मेरा कहना है कि सुंदरता लोक बुद्धि सिद्ध है, वास्तव में सुंदर कोई ही आपके चेहरे की बनावट है, सुंदरता कैसे प्रमाण जनित नहीं है, शास्त्र के द्वारा नहीं है, ये लोक बुद्धि, लोक बुद्धि से दम ना माने दुनिया कह कह करके, लोग कह कह करके बता बता करके बता देते हैं, क्या बताए, वो पापी है उसके पास मत बैठना, मतलब वो अलग है और तुम, तो वो पापी है उसके पास मत बैठना, क्यों, तुम पुण्यात्मा हो तभी तो ना, वो बड़ा अशुद्ध है देखो तो, खाने पीने में भी उसका जो है पता नहीं मलेच्छ है, इसका मतलब वो अशुद्ध है और मैं स्वस्थ हूँ, यही ना, अभी भीतर डाला जा रहा है ना, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ये सब लोक बुद्धि सिद्ध है, लोक बुद्धि सिद्ध माने शास्त्र के द्वारा सिद्ध नहीं है, प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं है, दुनिया ऐसे कह कह करके आपको कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा बना दिया है, और तब आपको बताना पड़ता है कि भाई देखो ऐसा करो और ऐसा, कर्माणि भीतानि, जब आप अपने आप को मान लिए पापी तो हम कहेंगे अब तुम पुण्य कर्म करो, जब आप अपने आप को मान लिए शुद्ध अशुद्ध
मैं अशुद्ध हूं तो मैं कहूंगा अब आप स्नान करके शुद्ध हो जाओ, यही तो ना। अपने आप को आप मान बैठे कि मैं 10 काम तो करता हूं, तो मैं फिर मैं ही कहूंगा कि जब दुनिया के 10 काम करते हो तो भजन क्यों नहीं करते हो। संसार का काम आप करोगे और भजन करना होए तो भगवान करे। आप लोग जानते हो मुझको बहुत चिढ़ होती है, कब जब कोई कहता है हमने पूछा क्यों नहीं आए कुंभ स्नान करने के लिए, तो महाराज आपकी कृपा नहीं, जब आप बुलाओगे। अभी कई लोग फोन पर कह रहे हैं, हमने कहा अच्छा अभी कहीं पर किसी का जन्मदिन हो तो खुद जा रहे हो, मरण दिवस हुआ खुद जा रहे हो, यही ना, लड़की लड़का ढूंढने खुद जा रहे हो, सारा काम खुद कर रहे हो, अब कुंभ आने के लिए हमारी कृपा होगी तो आएंगे। दुनिया का काम करने के लिए कर्ता खुद बन रहे हो, है ना। कर्ता कौन कौन करेगा, बाजार जाना है किसको जाना है, मुझको जाना है। सब्जी लाना है किसको, मुझको लाना है। दुकान संभालनी है किसको, मुझको संभालनी है। सर्विस करनी, नौकरी पे जाना है किसको, मुझको करना है। गंगा नहाने क्यों नहीं गए, बोले गुरु जी ने कृपा नहीं की। पंच मूर्ख लोग, गुरु जी भगवान की कृपा नहीं होती। तो भाई अगर आप कर्ता बने हो, 10 जगह पर कर्ता हो, तो मैं कहूंगा अब आप ये भी करो। 10 बार आप दुनिया में भोक्ता बने हो तो मैं भोक्ता बना दूंगा, यही ना। तो ये कर्माण विहितानि तस्मात् कर्माण विहितानि, तो तस्मात् कर्माण भी, इसलिए कर्म का विधान किसके लिए किया जाता है, जो आत्मनो आत्मा को अनेक कर्तृत्व भोक्तृत्व से युक्त, शुद्ध अशुद्ध से युक्त, पाप से युक्त मानते हैं, उन्हीं के लिए कर्म का विधान किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है ना। एक एक पंक्ति कर दे, अब इसी का विस्तार है, ये समझ लेना, ये सूत्र है, थोड़ा इसी का विस्तार आगे किया जा रहा है। यौ हि कर्म फलेनार्थी दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादिना अदृष्टेन स्वर्गादिना च दुजातीयहं न काण कुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्म वा धर्मवान। यहाँ पर थोड़ा से समझो क्या है उसमें, धर्मवान प्रयोजक धर्मवान अनित्य आत्मान मन्यते, अनित्य होना चाहिए जी, अनित्य होगा। इसमें थोड़ा जब मिसप्रिंट जैसा होना है, जुजातीरहम न काण कुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्म वा नित्यम धर्मवान। हाँ अब यहाँ संधि करना, धर्मवान धन इति धन आत्मान ऐसा हुआ, ठीक है ना, समझ आ रहे हैं। संधि करना, धर्मवान धन इति धन आत्मान, हाँ, तो धर्मवान इति आत्मान मन्यते सो अधिक्रियते कर्मसु इति ही अधिकार विदो बदंती, ठीक है। यौ ही जो कोई भी कर्म फलेन अर्थी, कर्म फल को चाहने वाला होगा, बिना फल की चाह के कौन करेगा। कर्म फलेन अर्थी माने हम कर्म कब करते हैं, जब हमको कोई फल चाहिए, तो कर्म फल को चाहने वाला होगा। तो कर्म का फल दो प्रकार से होता है, दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादिना, दृष्टेन ब्रह्म, हम ऐसा तप करेंगे तो हमको पूरा तेज आ जाएगा चेहरे पर, है ना, ऐसी हम साधना करेंगे तो हमारे ऊपर पूरा का पूरा शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मवर्चस माने ऐसा जप करेंगे तो एक तेज आएगा ब्रह्मवर्चस का, ब्रह्म ज्ञानी का, या ऐसा समझ लो, अब ऐसे समझ लो जिम जावेगा तो हाथ पांव उसके, ये क्या मुसा हुआ, दृष्ट फल हुआ, ये दृष्ट फल हुआ, है ना, सभी करते हैं। वो जिम जाने वाले तो ऐसा ऐसा हमारा
वो कौन सा था दिल्ली वाला लड़का, देख करके उसको जो है लगा कि ये तो पूरा का पूरा वही आया है। क्या नाम है उसका, उनका उनका लड़का है ना वो बड़ा सा, वो भी छोटा लड़का है उनका, पूरा का पूरा तुम तीन चार मिला दो तो एक ही है वो, है ना राजपाल का, है ना। एक दिन भोजन पे ले गया था तो उसका, तो हमने पूछा करते क्या, तो कहता ट्रेनर हूँ और विद्यालय में जो है वो कोच है, और नेशनल स्तर का कोच है, सिखाता है सबको बास्केटबॉल वगैरह। तो पूरा का पूरा कैसे, बोले जिम जाएगा 100 बार दौड़ेगा, ये थोड़े कि तुम लोगों जैसे कमरे में सोता रहेगा तो शरीर भी ऐसे बीमार रहेगा, मरम्मत तो मेहनत करता हो। तो अब उससे क्या मिला, अब भाई आजकल देखो कितना मेहनत करती है लड़कियां, काहे के लिए स्लिम होने के लिए सुंदर बनने के लिए, वो ब्यूटी पार्लर में 2-2 घंटे एक कुर्सी पर बैठ, तुम लोग 2 घंटे एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकते चुपचाप बिना हिले डुले, हाँ 1 घंटे में 10 बार आपने बदला कुर्सी पर, और वो ऐसे लेट गई तो क्या है, बोले कुछ ना कुछ। तो कर्म फल का चाहने वाला कैसे, दृष्ट फल, दृष्ट दृष्टे, ठीक है। तो एक हुआ दृष्ट फल, दूसरा हुआ अदृष्टेन। दूसरा कर्म हम क्यों करते हैं, हम यहाँ पर यज्ञ करेंगे तो उसका फल बाद में मिलेगा जो अभी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, स्वर्ग आदिना, यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, दान करेंगे तो हमारा परलोक सुधरेगा, तप करेंगे तो हमारा परलोक अच्छा होगा। तो 2 ही प्रकार का फल हुआ, दृष्ट और अदृष्ट, ठीक है ना। तो वो जो पहली बात है, कर्म किसके लिए कहा गया, पहला कर्म उसके लिए कहा जाता है जो कर्म फल को चाहे, कर्म फलेन अर्थी, नंबर 1। हाँ 2 प्रकार का फल, या तो इस लोक का या तो परलोक, दृष्ट और अदृष्ट। तो उसी के लिए आप कर्म बताओगे ना, अब जो उसको चाहिए नहीं उसको क्या बताएंगे, अब जिसको नहीं चाहिए उसको हम क्या पढ़ाएंगे। तो अच्छा दूसरे फिर देखो, चा दुजाति अहम, दुजाति अहम माने मैं कर्म करने के लायक हूं, एक गायत्री जाप करने के लिए लायक हूं। देखो जैसे मान लो एक बच्चे को कहा गया तुम गायत्री का जाप करो तो तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो जाएगी, ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाएगी, कैसे गायत्री मंत्र का जाप करो। तो कर्म फल चाहिए उसको, जाप हो गया कर्म, उसका फल क्या है, हमको तेज, हमको सिद्धि मिल जावे, तो कर्म फल चाहिए कहाँ का, यहाँ पर, और साथ ही परलोक भी सुधरे। लेकिन साथ ही साथ ये भी उसको पता होना चाहिए गायत्री का जाप वही कर सकता है जिसका यज्ञोपवी हुआ हो, तो वो जानता है कि हाँ मेरा द्विजाति हम, मेरा यज्ञोपवी हुआ है, अपने आप को मानता है, इसका कहते हैं अधिकारी। कल इस पर हम थोड़ा सा और विचार करें, अधिकारी मैं ठीक ठाक हूं। तो कर्म फल चाहिए यही लोक या परलोक, दृष्ट या अदृष्ट। दूसरे अपनी पात्रता भी ठीक ठाक समझता है, पात्रता माने समझो देखो गाड़ी चलाना आप चाहते हो, अधिकार है कि नहीं गाड़ी चलाने का आपके पास में, वो अधिकार क्या होता है, लाइसेंस, है ना। अगर लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी चलाने का अधिकार आपके पास में नहीं है, यही ना। अब बिना बिना वैसे गाड़ी चलाओ तो राम भला करें फिर तो फिर फल तो मिलेगा चाहे इस लोक का चाहे उस लोक का भाई फल तो मिलेगा चाहे इस लोक का चाहे उस लोक तो इसको कहते हैं आप कर्म करने की योग्यता रखते हो कि नहीं, हाँ अधिकार है आपके पास। तो दुजाति हम, वो कहता है जो यज्ञोपवीत धारी हूं बिल्कुल गायत्री का जाप कर सकता हूं, बहुत बढ़िया। अब आप गायत्री का जाप करके अमुक फल चाहते हो, ये बताओ काने तो नहीं हो तुम,
क्योंकि अगर कोई काना होगा तो वो ये वाला यज्ञ नहीं कर सकता। कुबजा होगा, गोबर निकला होगा तो ये वाला काम नहीं कर सकता। माने अनधिकारी तो नहीं हो, कान कुब्जत्वादि अनधिकारी प्रयोजक धर्मवान। काना कुब्जा वाला जैसे जिस काम के लिए किसी को मना किया गया है वो तो नहीं है तुमने। नहीं समझ आया ना? अरे वो सुना नहीं है कि एक राजा और मंत्री साथ साथ रहते थे, मंत्री की आदत थी जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, यही ना। वो राजा फल काट रहे थे चाकू से, उंगली कट गई और मंत्री के मुंह से यही निकला जो हुआ अच्छा हुआ, जो भगवान करते हैं अच्छा। उसको बड़ा गुस्सा, अच्छा मेरी उंगली कट गई और तू कह रहा है जो भगवान करते हैं भला करते, पकड़ो इसको कारागृह में डालो। मंत्री को डाल दिया जेल, यही ना सुना कहानी है। किसी का भी हो, एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। बाद में फिर वो जो गया और राजा और फिर जंगल में फंस गया, सारे सैनिक लोग अलग हो गए और वो पहुंच गया कहीं भीलों की जगह में। भीलों ने पकड़ लिया देवी को बल चढ़ाने के लिए, क्यों? क्योंकि कोई कामना है। अब जब राजा को पकड़ के हाथ पांव और रस्सी में बांध करके ले गए मंदिर में, पूजा वूजा करा दिया, तो वो जो जल्लाद होता है चेक करता है कि बलि ठीक ठाक है कि नहीं। तो उसने जब पूरा हाथ पांव देखा तो उसने कहा बलि खंडित है, बलि खंडित है, देवी प्रसन्न नहीं होंगी। खंडित क्या है? इसकी उंगली कटी हुई है। तो उंगली कटी हुई है तो बलि चढ़ने के लायक भी। वो सब भीलों ने उसको मार के राजा को भगा दिया। उसने सोचा भगवान ने बड़ी कृपा की, अगर उंगली न कटी होती तो आज तो मेरी गर्दन कही थी। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, सही बात है, वो मंत्री सही कह रहा था। आए आकर के फिर दरबार में बैठे, मंत्री को पकड़ बुलवाया कारागृह से, हथकड़ी भेड़ी, बोले बोलो इसकी हथकड़ी भेड़ी, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, ये जो तुम कहते हो ना ये बात तो मैं मान गया, ऐसे ऐसे आज मैं फंस गया था और वहां भीलों ने हमको छोड़ दिया क्योंकि उंगली हमारी कट गई थी। अब तुम बताओ तुमको क्या भला होगा? तुमको तो कारागृह में कष्ट मिला, जेल में। मंत्री ने कहा प्रभु राजन ये तो भगवान की बड़ी कृपा थी, अगर आप हमको कारागृह में ना डालते तो भले सैनिक साथ छोड़ देते, मैं तो आपका साथ न छोड़ता, आपके साथ ही साथ रहता। जब आपके साथ साथ रहते तो आप पकड़े गए तो मैं भी पकड़ा जाता, तो आपकी तो उंगली कटी थी तो आप बच जाते। और मैं साबुत था तो मुझको तो वो चढ़ाई देते बलि। तो भगवान जो करते हैं वो ठीक है ना। तो मतलब इसको कहते हैं राजा भी बनने का एक योग्यता होती है, कर्म करने की भी एक योग्यता होती है। ये काम ये वाला करेगा, ये काम ये वाला नहीं कर सकता। तो जैसे काना कुब्जा आदि है तो वो राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, राज सिंहासन के लायक नहीं। तो अमुक यज्ञ ये करेगा, सोम यज्ञ ब्राह्मण करेगा, क्षत्रिय नहीं करेगा, अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ क्षत्रिय करेगा, ब्राह्मण नहीं कर सकता। तो ये कहते हैं अधिकारत्व। तो काण कुब्जत्व आदि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान, मतलब काना कुब्जा ना होवे, अनधिकार चेष्टा ना होवे, अनधिकार चेष्टा ना होवे। इति आत्मानं मन्यते, ऐसा जो अपनी आत्मा को मानता है अपने भीतर। क्या अब यहाँ पर दिया कर्म फलेनार्थी नंबर एक, ठीक है, कौन सा कर्म फल, दृष्ट अथवा अदृष्ट, तो है ना दो प्रकार का। तो एक पहली शर्त हो गई कि कर्म फल चाहता है, भोग का भाव है ना। फिर उसके साथ में अब अपने आप को क्या समझ रहा है, मैं इस कर्म करने के लायक हूं, द्विजातीय हूं, मैं इस कर्म को करने के योग्य, ठीक है, पात्रता है मेरे भीतर। तीसरी बात अनाधिकार चेष्टा नहीं, ठीक है ना।
अनाधिकार चेष्टा तीन। जब ऐसा कोई अपने इति आत्मानं मन्यते, जो ऐसा अपनी व्यात अपने आप को मानेगा, सा अधिक्रियते कर्मसु, उसी का कर्म में अधिकार है। सह अधिक्रियते, उसी का अधिकार कर्म में है। कर्मसु इति ही अधिकार विदो बदंती, जो इस कर्म के अधिकार को समझते हैं, कर्म करने की योग्यता पात्रता को समझते हैं। अधिकार विदा माने कौन सा काम कौन करेगा, कौन सा यज्ञ कौन कर सकता है, इसको जो जानते हैं वो लोग इस बात को ऐसा कहते हैं। अधिकार विदो बदंती, आगे कल पढ़ेंगे जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।